उसके कमरे का चल रहा है नहीं चल रहा। पिछली दफा आया था उसको ठीक गर्मी लग रही थी। जी जी करवा दिया। करवा लिया पता नहीं करवाया नहीं करवाया। और अगर बच्चों के साथ दो तीन दिन रह लोगे और उनका ख्याल रख लोगे कोई आफत नहीं आ जाएगी। और इशरत जी इसका कमरा तैयार है असलम के लिए सब कुछ ठीक है। कमाल है मैंने कब कोई एतराज किया। इसका कमरा तैयार है इस बेचारे ने तो अपनी जरूरत की सारी चीजें सुबह ही निकाल दी थी। कमरे की सफाई भी हो गई है और कमरा तैयार भी हो गया असलम के लिए। मेरी बात सुनो ज्यादा सैर सपाटे करने की जरूरत नहीं है। पिछले दफा आया था कैसे ज्यादा ढील दी गई तुम्हें सख्ती की है उसपे। वो आपको छेड़ रहे थे। मुझे छेड़ रहा था वो तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं है। मेरा मतलब है कि अहमद तुम जाओ जाके अपना काम करो इनकी तो आदत है। असलम ने जब भी आना होता है ना आप इसी तरह से हड़बड़ाते हैं खुद तो टेंशन में आते ही आते हैं बाकी पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। हाँ हाँ मैं पागल हूँ सटिया गया हूँ ये कहना चाह रही हूँ ना। अस्सलाम भाईजान बड़ा इंतजार कर रहा है कहाँ रह गए। हाँ वो रास्ते में एक ही जगह रुके बस उसी में देर हो गई। अकरम अकरम आ जाइए ना खाना लगा दिया है। आता हूं। आपको क्या हुआ कहां तो आप उसके लिए इतना बेकरार थे और अब जब वो आया है तो आप यहां पे बैठे हुए हैं। बेकरार तो था उसको दिल लगाने के लिए प्यार देने के लिए क्योंकि तुमने देखा किस बेरुखी से मिला मुझसे नजरे भी नहीं मिला सका। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तुम थी वहां कितना कतरा रहा था मुझसे मिलकर नजर नहीं मिला रहा था एक दफा मुझे नहीं देखा। मैंने देखा है लेकिन जो मैंने देखा है शायद वो आपने नहीं देखा। क्या क्या देखा तुमने। यही कि वो आपसे नहीं घबरा रहा था। अगर वो आपकी जानब देखता तो उसके पीछे वाले दरवाजे पे नजर करती जिसकी वजह से वो घबरा रहा था ना कि आपसे कतरा रहा। आप खाम खाम उसकी तरफ से अपना दिल मेला ना करें। इतना वक्त गुजर गया मैं दुआएं करता था कि उसको भूल जाए वो नहीं भूला। हो सकता है अकरम उस बात से डरता हो कि कहीं पुरानी यादें ना ताजा हो जाए। और आप भी तो कमाल करते हैं एक तो आप जिद करते हैं कि वो आपके पास बार बार आपको मिलने नहीं आता। उसने आपसे हजार दफा कहा इस मकान को बदलने के लिए लेकिन आप उसकी बात नहीं सुनते। अब चलें उठें आके खाना खाएं वो इंतजार कर रहा है बार बार पूछ रहा है बुरा लगता है।
आ जाइए प्लीज। आता हूँ। तुम जाओ। सुन रही हो इशरत, महीनों बाद आया और अब कह रहे सुबह वापस आ रहा है। कैसे कैसे? आपने से बताया नहीं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब आए तो मुंह तो मीठा करके जाओ। अब तो बता दें भाभी, कसम से बुरा हाल है तजस्सुस से। भाई हम लोग अपनी अहमद के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या सच? फिर तो मैं रुक रही हूँ। असलम रुके ना रुके। रुके नहीं, बार बार तो तुम आते नहीं हो और हम रिश्ता ढूंढने नहीं तय करने जा रहे हैं ताकि बात जल्दी निपटे। और तुम दोनों का होना बहुत जरूरी है। लड़की कौन है भाभी? फैमिली में से? नहीं, ये जो वो देखो मिसनाओं के खाए जा रहे हैं, लड़की इसकी पसंद की। हमारी पसंद और नापसंद अब जरूरी नहीं, रिश्ता तय करना। जिसमें अहमद की खुशी है उसमें हमारी खुशी है। सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।